हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हिना खान से इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज आप ये मेकअप लुक ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए मुझे इस तरह से इसे अप्लाई करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर अपनी फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। गाइज, यहाँ पर मेरे आईज से थोड़ा पानी आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर अपने आई लेंसेज अप्लाई किए हुए हैं। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। हिना खान ने भी अपने जो मेकअप में है वो इसी तरह के आई लेंस अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए मैंने भी वेयर किए हैं। सो अब मैंने अपने नेक पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी मेरा आई मेकअप। उसके लिए मैंने जो फाउंडेशन है वो अपने आई पे लगा लिया है आई बेस करने के लिए। से मैं एक ब्रश की हेल्प से जो है वो मैं पूरा कवर कर लूँगी आईज़ को, ताकि कहीं पर भी जब मैं आई शेडो अप्लाई करूँ तो वो काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट हो मेरे आईज़ पे। आप फाउंडेशन की जगह कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी के तरह अगर कोई मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है। लिमिटेड प्रोडक्ट में भी आप उनकी तरह मेकअप कर सकते हैं, और डेली वेयर में भी जब कभी आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आप सेलिब्रिटी की तरह ही स्टाइल करें। इसीलिए मतलब इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ उन लोगों की वायरल होती है, तो क्यों ना हम लोग उन्हीं की तरह एक मतलब अप्लाई करके देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उनका मेकअप लुक। सिर्फ वीडियो बनाने के ही लिए नहीं, आप लोग ऐसे अपने फंक्शंस वगैरह में भी रेडी हुए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा आई शेडो, यहाँ पर जो ये ऑरेंज शेड है। मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ, एक ट्रांजिशन शेड दे रही हूँ, तो ये थोड़ा ऑरेंज ऑरेंजेस शेड है। आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप आई शेडो अप्लाई करते हैं उसे अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें, ताकि किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा क्रीज ना रहे। अब इसमें से एक रेड कलर का आई शेडो मैंने लिया है जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज हिना खान के मेकअप में आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा पिंक, थोड़ा हल्का सा रेडिश है, ऑरेंजिश है, एंड जो इनर कॉर्नर्स है वहाँ पर येलो शेड है। तो पहले भी हम आउटर कॉर्नर को फिल कर रहे हैं, जैसे ही हमारा वहाँ का मेकअप आउटर कॉर्नर का मेकअप फाइनल हो जाता है आई मेकअप, उसके बाद हम अपना येलो शेड अप्लाई करेंगे। हेयर स्टाइल मैंने ऑलमोस्ट हिना खान की तरह बनाने के लिए ट्राई किया है, तो वो मैंने पहले ही बना लिया है। उसके बाद मैं अपना मेकअप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है।
सो फाइनली मेरा जो ट्रांजेक्शन शेड है वो हो गया है। अब हम अपना जो एक बार मैं इसे फाइनल टच दे रही हूँ, अब हम अप्लाई करेंगे अपना येलो शेड। येलो शेड के लिए जिस ब्रश से मैंने अपना फाउंडेशन आई पे लगाया था वो थोड़ा गीला गीला था बिकॉज में फाउंडेशन था, तो उससे की मदद से मैंने जो मेरा येलो आई शेडो है उसे अप्लाई कर लिया है। येलो कलर में थोड़ा सा शिमर भी है, इस पैलेट में मैट येलो कलर नहीं था इसलिए मैंने शिमर ही अप्लाई कर लिया है। अब देख सकते हो ऑलमोस्ट मेकअप आई मेकअप ऐसा हो गया है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। अब मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, ये कॉफ़ी ब्राउन शेड है। हिना खान ने अपनी जो आईलाइनर है उसमें एक ब्लू कलर आईलाइनर लगाया है स्काई ब्लू कलर का, तो यहाँ पर मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आई मतलब आई मेकअप है, येलो रेडिश एंड ब्लू, तो बहुत ही प्यारा ये कलर आ रहा है। आप लोग भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब अच्छी तरह भी नहीं किया है मैंने, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है, प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा मस्कारा। मैंने यहाँ पे फेक आई लैशेज अप्लाई नहीं करी है, तो मैं अपना जो मेरी नेचुरल आई लैशेज है उन्हीं को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार अप्लाई कर लिया है मस्कारे को। अब मेरी जो लोअर लैश लाइन है उसे भी मैं उस पर भी मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी ताकि मेरी पूरी आईज़, बिकॉज मैं काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं काजल अच्छा मुझे नहीं पसंद है उतना, मैं अप्लाई करना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं लोअर लैश लाइन पर भी, देखिए आप देख सकते हैं कि काजल की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने उसी से कवर कर लिया है। सो हमारा आई मेकअप जो है वो फाइनल हो गया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर, ये किस ब्यूटी का कॉन्टोर है, ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करूँगी मैं अपने फेस को, थोड़ा बहुत एक ब्रश की हेल्प से। थोड़ा सा नोज़ को हमने यहाँ पर कॉन्टोर कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट मैंने किया है कॉन्टोर, और उतना पता नहीं भी चलना चाहिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो फिंगर की हेल्प से आप उसे ब्लेंड कर लें। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र, ये थोड़ा शिमरी शेड में है, तो पहले मैंने सोचा था कि इसे हाइलाइटर की तरह यूज़ करें, बट ये कुछ भी ऐसा हाइलाइटिंग में नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने इसे कॉन्टोर के ऊपर ही अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल, ना के बराबर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा लिपस्टिक से ब्लश, तो आप देख सकते हैं बिकॉज़
मैं और कोई ब्लश ये लगाना नहीं चाह रही थी, इस वजह से लिपस्टिक के कलर का ही अगर हमारा ब्लश रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए। यहाँ पर मैं कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है हाइलाइटर की। मेकअप वैसे भी नॉर्मल नेचुरल लग रहा है तो ज़्यादा हाइलाइटिंग ना करे तो भी अच्छा है। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग कर सकते हैं। अब जो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा था उसे मैंने ब्रश की हेल्प से मतलब रिमूव कर लिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वही सेम लिपस्टिक। अब मेरा ब्राउन जो लिप लाइनर है मैंने उसे उससे आउटलाइनिंग कर रही हूँ। सो फाइनली मेरा मेकअप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिना खान की तरह इयररिंग वियर नहीं किए हैं बिकॉज उस टाइप के कोई भी इयररिंग मेरे पास नहीं था, तो मैं डेली में जो पहनती हूँ मैंने वही पहन रखा है। दिस इज़ फाइनल लुक गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।